तेजस्वी मुख्यमंत्री जी, आदरणीय श्रद्धेय कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे भाई लखन घनघोरिया जी, आदरणीय हमारे भाई कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय सुधांशु जी, आदरणीय मंच, श्रद्धेय हमारे सभी कांग्रेस परिवार के साथियों, हमको कहा गया है कि गागर में सागर जल्दी से जल्दी अपनी बात को कहें। मैं केवल दो बात कहना चाहता हूं आदरणीय, कि रगड़ने दो वतन की रेत में एड़ियां, हमें यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। और पानी अगर कोई निकाल सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है। उसका कारण हम लोगों ने आजमाया है, हम लोगों ने परखा है, हम लोगों ने इस क्षेत्र के प्रति स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्यार और स्नेह देखा है, श्रीमती गांधी का लोलार यहां पर देखा है, स्वर्गीय हमारे नेता राजीव गांधी का प्यार इस क्षेत्र के प्रति देखा है। और अब हम आजमाने जा रहे हैं आदरणीय आदरणीय राहुल गांधी जी को, इसलिए कि मैं पूछना चाहता हूं हमारे विपक्ष के नपुंसकों को, विपक्ष के नपुंसकों को मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या करा। कांग्रेस ने हमें ट्रेन दी, इंदिरा गांधी जी की कृपा थी, स्वर्गीय महाराज मार्तन सिंह जी ने के माध्यम से, स्वर्गीय श्रीनिवास जी के प्रयासों से हमें अस्पताल यहां पर मिली, हमें यहां पर बाईपास और सारी सड़कें यहां पर मिली, हमें यहां पर सैनिक स्कूल मिली। आप कहीं भी जाकर देखो तो इस पूरे क्षेत्र में हमें उद्योग मिले। भारतीय जनता पार्टी ने हमको क्या दिया? टूटी हुई सड़कें, बाहर से ठेकेदार, बाहर से सारे लोग, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचारी, केवल ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को जो दी। केवल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी यहां आते थे और जो भी शिलान्यास होते थे वो क्या होते थे, अगर मेट्रो यहां पर सोलर के माध्यम से जो बिजली हो रही है तो बिजली कहां जा रही है? दिल्ली मेट्रो में। मैं निवेदन करूंगा कि जब सिद्धार्थ भाई वहां पर पहुंचे पार्लियामेंट में तो वो ये बात को रखें कि यहां की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है, उसको कहीं ना कहीं हमारे पूरे विंध्य क्षेत्र में देना चाहिए, उसको बाहर ना देना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी आपसे कि आपके पूरे परिवार ने इस क्षेत्र को सब कुछ दिया है, अगर आप यहां से मऊगंज होते हुए मिर्जापुर के तक रेलवे लाइन की रही बात करें तो जो कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करा था उसकी संपूर्णता आप कर सकेंगे। ये पूरे क्षेत्र में एक रेल लाइन की जरूरत है जो मऊगंज से होते हुए मिर्जापुर और जाकर बनारस में मिल जाए। साथियों, चूंकि समय कम है लेकिन आपकी कृपा से जब आप इसके पहले पधारे थे, मैंने कांग्रेस में 8 साल बाद किसी दल में न रहने के बाद वापसी करी। आज मैं बहुत खुश हूं कि आज इस क्षेत्र के प्रति आपका और आदरणीय कमलनाथ जी आपका जिस प्रकार से प्यार है, स्नेह है, मैं चाहूंगा कि एक बात को और रखा जाए। विंध्य क्षेत्र को अगर कृषि के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाना है तो एक कृषि विंध्य विश्वविद्यालय की बात करनी चाहिए हम लोगों को। मैं चाहूंगा कि आप उसकी मांग रखेंगे जिससे हमारा युवा जो कृषि क्षेत्र में जाना चाहता है, जो फूड प्रोसेसिंग में जाना चाहता है, वो बहुत अच्छी तरीके से जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विंध्य, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद महाराज जी।